और चलते चलते हम रास्ते में कुछ मिलते हैं ना, हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें ये बाबा लोग जो है ना हाथी को लेकर गली गली जाते हैं और बच्चे भी देख के खुश होते हैं, क्योंकि अभी इस पर बैन नहीं लगाया, नहीं तो मेनका गांधी को पता चल जाता कि हाथी जो है जंगली जानवर है, इसको जंगल में रहना चाहिए, लेकिन ये इसको पालतू में गिना गया है, तो इसलिए ये लोग लेकर घूमते हैं गली गली में। तो देखिए अभी आपको दिखाते हैं हम साथ साथ चलते हुए कि ये जो हाथी है तो इसके साथ 5-7 बाबा लोग जो होते हैं तो ये अपना रोटी रोजी निकाल लेते हैं और हर किसी से मांगते हैं, हाथ खड़ा करके मांगते हैं और कहते हैं कि हाथी की सवारी करने बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोग हाथी के नीचे से गुजरते हैं और देखिए जी अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चा ऊपर बैठा है, हाथी की सवारी कर रही है ना, कहते हैं बहुत बढ़िया होता है। हाथी की सवारी करने का क्या फायदा होता है, क्या बनता है? बहुत लकी होता है, लकी होता है हाथी की सवारी करना। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं राजा बन जाता है वो है? नहीं, राजा वाली बात नहीं, लकी होता है वो। बिल्कुल ठीक है। और देखिए जी पैसा ही मांगते हैं, जो ऊपर बैठ गया तो 500 रुपया 200 रुपया पक्का है। बच्चा डर रहा है लेकिन माँ बाप कहते हैं कि बच्चा ऊपर बैठेगा तो यानी कि इसकी जो आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होगा। हैं देखिए कभी हाथी पे बैठे हो, पूछते हैं लोग यार कभी हाथी पे बैठे हो, तो भैया जी देखिए हाथी पे बैठा है। हैं और देखिए जी हम आपको दिखा रहे हैं तो हाँ तो और देखिए जी गली गली में आते हैं, गली गली में जाते हैं और देखिए रोटी रोजी इनकी चलती है और सुबह से लेकर शाम तक ये गलियों में आते हैं। हाँ और देखिए जब और आगे भी खड़े हैं वो दिखा दे रहा है, देखिए 5-7 लोगों की टीम होती है इनकी। और देखिए और जैसे 5-7 लोग जो है ना, देखिए वो देखिए सामने सब लोग जितने भी है ना बाबा लोग ये साथ आते हैं। अभी देखिए हमको देख के इधर उधर हो गए, शायद उन्होंने सोचा कि ये हमारे को ये भी, हम तो आपके हक में बोल रहे हैं कि आप लोग जब गली मोहल्ले में आते हैं तो बच्चे देख के खुश होते हैं और आप 10-12 लोग हैं, अगर 500-700 रुपये दिहाड़ी एक एक बंदे को पड़ भी जाते हैं तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप बच्चों का जो घरों में रहते हैं जब इतने बड़े एलिफेंट को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। और कुछ लोग तो देखिए वो नीचे से देखिए निकलेगा वो, तो वो देखिए नीचे से निकल गया, तो अभी मैं भी नीचे से निकलूँगा भैया। हाँ और देखिए इधर देखिए सब कुछ कर रहे हैं वो हाथी, हाथी इसके अंडर आ गया अब हैं, हाथी उधर लगा देंगे घर में। और देखिए हाथी इनके अंडर आ गया, अब ये हाथी से बड़ा बन गया ये बच्चा। और देखिए इसके आँखों पर लगा जाए हाथी की, आँखें बंद करते कभी खोलता है ये, और देखिए उसके ऊपर भी लगा। हाँ यूट्यूब पे आएगा। हम रात को लोड कर दूँ, मैं दिखाता हूँ, काट देता हूँ आपको, आवाज़ बीच में चल रही है ना, चलने दो। और देखिए अभी हमें पूछ रहे थे कहाँ चलेगा, तो हमने कहा भैया यूट्यूब पर चलेगा ये। और देखिए इसको भी लगा दें ऊपर, बाबा भी लगा दें। देखिए हाथी के दांत, हाथी के कान और आगे छोटी छोटी हैं। चलो भैया आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, चले चलो बाबा, चलो चलो आगे चलो। और देखिए जो भी आदमी जाता है तो उसी को हाथ करके कहते हैं बाबा हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। बड़ी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक ये लोग। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आजकल तो भैंसें भी देखने को नहीं मिलती बच्चों को, लेकिन हाथी तो गली गली में आ जाता है, तो भैंस वगैरह नहीं आती, गऊ वगैरह भी गलियों में आ जाती हैं, पर ये हाथी ये लेकर घूमते हैं। और ऊँट वगैरह तो उन्हें कहीं ना कहीं फेस्टिवल वगैरह में दिखाई देते हैं। तो देखिए ये अभी कह रहे होंगे भैया 100 रुपया मिला 200 रुपया मिला, कितने रुपये मिला, 100 रुपया 200 रुपया, 100 रुपया 200 रुपये खुश हो जाते हैं। बस बस गुस्सा होने लगते हैं ना, हाँ हाँ कहते हैं हमें गुप्त रहना है, क्या कि हम हाथी लेकर आते हैं तो हमको कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता, हाँ लोग परेशान करते हैं। नहीं नहीं देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि हाथी लेकर घूम रहे हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो ठीक है। देखिए बहुत अच्छे लोग हैं जी, गली गली में आते हैं। धन्यवाद।